पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सपनों पर प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदारों का गठजोड़ शायद पानी फेरने की फिराक में है। ठेकेदार के साथ मिलकर घटिया निर्माण हुआ। आज जब MPRDC के अधिकारी सरनल सिंह मौके पर पहुंची तो जनता की काफी नाराजगी उन्हें भी झेलनी पड़ी। रहवासियों ने कहा कि नालियों में पानी ऐसा भरा हुआ है कि वह नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, इससे काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं बनने वाली रोड को भी घटिया क्वालिटी का बताया। जागरूक पत्रकार नफीस मंसूरी ने एक आवेदन देकर अधिकारी को स्कैनर मशीन से जांच कराने की मांग की। अगर जांच में गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती तो ठेकेदार का पेमेंट रोका जाए, क्योंकि गुणवत्ताहीन सड़क और नाली का निर्माण कार्य हुआ है। मैडम ने ठेकेदार को हिदायत दी, काम सही से करें और नाली को तोड़कर दोबारा बनाया जाए और स्कैनर मशीन की जांच के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट किया जाएगा। ये बन रहा है जनता के लिए, बन रही है रोड, आप ही को फायदा रहेगा। संबंधित अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया गया था कि सर आपके जो ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें रेत में मिट्टी मिलाई जा रही है, उसके बाद भी उस पर कोई नहीं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब भी आप लोग की कंप्लेंट आई है किसी भी चीज़ के लिए तो यहाँ पे हमारे जो AGM पोस्टेड हैं ये भी रेगुलर यहाँ मॉनिटर करते हैं और जहाँ भी कुछ निकलता है तो कॉन्ट्रेक्टर के हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं ना, उसको हम उस हिसाब से इन्फॉर्म करके रखते हैं। उसके बिल बिल कुछ भी नहीं होंगे अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती। मैडम अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं आपके इंजीनियर तो फिर ये कार्य कैसे बिगड़ रहा है? नहीं ऐसा कार्य बिगड़ रहा है, आप देखिए ऐसा है कुछ पर कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि मान लो लेबर जो है उस वो स्किल्ड लेबर नहीं है, कभी कोई चीज़ उसके कारण होगी है ना, तो आप लोग को सपोर्ट करना है क्योंकि आप ही के लिए बन रहा है ना। थैंक यू। बाद भी ठेकेदार के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जाती थी रोड में, उसको लेकर के ठेकेदार ने अभी तक कोई कार्य में सुधार नहीं किया है। कौन से वाले प्रोजेक्ट में? यही वाले इसमें जो शिवर नाके के शिवर नाके से हम जेटा जी स्कूल तक। ऐसा है कि अभी उनको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लोग करते हैं है ना, वो लोग करते हैं। कभी होता है कि मटेरियल आने में देर हो गई, कुछ हो गया तो नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ से जो भी हम ठेकेदार को बोलते हैं वो लोग उसका सुधार कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। स्पाइडर का काम देखा, आपको कैसा लगा? क्या जो जनता यहाँ की शिकायत कर रही है वो सही है या गलत है? देखिए यहाँ का काम देखिए है, जहाँ पे भी अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो वो ठेकेदार उसको सुधार देगा। अच्छा, कितने दिन में सुधार हो जाएगा और इस ठेकेदार पे क्या कार्रवाई होगी? अगर उसके बाद भी ठेकेदार नहीं सुधारता है तब उस पर कार्रवाई होगी, जो भी अनुबंध की घटना होगी। यहाँ के लोग स्कैनर मशीन से जाँच की मांग कर रहे हैं, कितने दिनों में हो जाएगी? स्कैनर की हमने पहले भी जांच करवाई है जी, पहले भी आपके यहाँ से आया था, हमने वो चेक करवाया था उसकी रिपोर्ट, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं मिली। हम जहाँ से चाहते हैं वहाँ से जांच हो, हम बताएंगे कहाँ सरिया डाला कहाँ नहीं डाला है। 16 किलोमीटर जांच करा ली है, तो हम तो चाह ही रहे हैं कि पब्लिक के लिए कोसमी से मैडम के लिए अच्छा कोसमी से नसुलगंज जो रोड बना इस पर ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ठेकेदार के ऊपर देखिए उन्हीं के मेंटेनेंस में रहता है 5 साल के, है ना, उन्हीं को मेंटेन करना है जो रोड उन्होंने बनाया। अभी उसके लिए ठेकेदार को अभी हमने उतना पेमेंट किया नहीं है, उसने जो काम किया वहीं तक का किया है, जो उसके खराब निकला है काम उसके लिए हमने अभी उसके पैसे रोक के रखे हैं, और अगर फिर भी वो उसको नहीं सुधारेगा तो फिर ब्लैक लिस्ट होगा। भैरुंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।